सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से बच्चों? अब तो ऑनलाइन कक्षाएं भी हो रही है बच्चों, तो हिंदी की भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बच्चों। आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हो ना बच्चों, तो आप लोग को इंग्लिश, मैथ्स की तरह, ईवीएस की तरह आप लोग को हिंदी व्याकरण के भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने होंगे, ठीक है बच्चों? तो हमारी आज की कक्षा किस पे है बच्चों? मेरी आज की कक्षा है रितान पे, यानी हिंदी लिटरेचर के पाठ का हम पाठ वाचन करेंगे। बच्चों ये बताओ, ये क्या है? बताओ इसका क्या नाम है बच्चों? पहले बताओ ये क्या है? यह एक फूल है और इसका रंग कैसा है? लाल। और इसे इसे किस नाम से जानते हैं? गुलाब। तो बच्चों ये गुलाब का फूल है। सबके घर में गुलाब का फूल होता है ना बच्चों? जब हम बहुत खुश होते हैं और हम जब स्कूल जाते हैं, मान लो बच्चों हम स्कूल जाते हैं, अगर मुझे अच्छा लगे, मैम बहुत अच्छी लगती हैं, जो हम खुश होते हैं, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत मानते हैं, घर में हम लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको प्यार करते हैं ना बच्चों, तो हम अपनी मैम के लिए या हम अपने प्यार को दिखाने के लिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम उनके लिए कुछ ऐसा उपहार ले जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उपहार हमेशा खरीद कर या कुछ चीज से नहीं होती बच्चों, ये हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, यानी हमें कैसा अच्छा लगता है। तो बच्चों ये फूल मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, इसे देखकर अच्छा लगा ना बच्चों? तो ये फूल आज का, ये फूल जो गुलाब का फूल है, मैं आपके लिए लाई हूँ। सब आप इसको देखोगे, इसको समझोगे, ये कैसा लगता है, इसकी खुशबू कैसी होती है। तो हमारा आज का जो पाठ है बच्चों, ये गुलाब पर है, यानी गुलाब के बारे में है। इस पाठ में जिस जो कहानी है बच्चों, उस कहानी में एक लड़की है जो पहला दिन स्कूल जाती है और अपनी मैम के लिए एक गुलाब लेकर जाती है, खुश होकर गुलाब देने के लिए। तो वो अपनी मैम को दीदी बोलती है, वो अपने दीदी के लिए गुलाब लेकर जाती है। वो गुलाब लेकर जाती है, उसकी मैम दीदी बहुत खुश हो जाती है। वो क्या करती है, उसको गुलाब को लेकर वो एक ग्लास में पानी रखकर उसमें गुलाब डाल देती है, ताकि वो ताजा रहे और उसकी खुशबू से सबको अच्छा लगे। तो वो उसकी खुशबू से सारी कक्षाएं महक उठती है, खुशबू जिसको सूंघकर बहुत अच्छा लगता है। तो गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है ना बच्चों? तो चलिए इस गुलाब की खुशबू के बारे में जाने, किसी गुलाब की खुशबू कहाँ कहाँ तक गई, आपके पास तक गई या पूरे जगह फैली। तो चलिए बच्चों आज हम ये पाठ का पाठ वाचन करेंगे। ये गुलाब मैं रख देती हूँ, आप लोग को मैं दे देती हूँ, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, तो आज का पाठ का नाम है लाल गुलाब। मैंने यहाँ लाल गुलाब बनाया है ना बच्चों, तो इसी तरह आप लोग लाल गुलाब बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा रफ में, ताकि आप लोग को बनाया जा सके, ठीक है? तो चलिए बच्चों आज हम इस पाठ का पाठ वाचन करेंगे। सारे बच्चे अपने वितान पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 40। तो चलिए बच्चों आप अपने साथ पेंसिल रबड़ रखिए, ताकि कठिन शब्दों को रेखांकित यानी अंडरलाइन कर सके। तो चलिए मैं एक एक करके पूछूंगी। आज पाठशाला का पहला दिन था, यानी कि फर्स्ट डे। स्कूल जब फर्स्ट डे जाते तो आप लोग बहुत नर्वस होते हो ना, क्या करे क्या नहीं करे। तो बेटा स्कूल जाने में कोई नर्वस नहीं होना चाहिए, आप खुशी खुशी जाओ, ठीक है? सीमा पाठशाला आई। इस पाठ में सीमा एक लड़की का नाम है, यानी एक स्टूडेंट है जो पहला दिन स्कूल गई, पाठशाला मतलब स्कूल। वह एक गुलाब लाई। सीमा अपने हाथ में क्या लेकर आई, पाठशाला का पहला दिन वो क्या लेकर गई, एक गुलाब लेकर गई। गुलाब लाल था, जैसे मैंने आपके लिए गुलाब लाया ना बेटा, इसी तरह सीमा भी लाल गुलाब लेकर स्कूल गई, यानी पाठशाला गई। सीमा गुलाब रख पानी का गिलास लाई। सीमा वहां टेबल पर, क्लास के टेबल पर गुलाब रखकर पानी का गिलास लाने गई। वह गुलाब उधर रख आई। दीदी आई, वाह वाह, इस पार्ट में दीदी जो है वो टीचर है, यानी कि शिक्षिका। हम मैं भी आपकी शिक्षिका हूँ ना, उसी तरह सीमा की भी शिक्षिका थी, उसने दीदी कहा था। दीदी आई, दीदी ने जब गुलाब देखा तो कैसा कहा, वाह वाह, जब आप कोई सुंदर चीज देखते हो, अच्छी लगती है, तो क्या बोलते, वाह मजा आ गया, कितना सुंदर ड्रेस, कितना सुंदर फूल, कितना बढ़िया गुलाब। उसकी दीदी ने क्या कहा, मैडम दीदी ने, कितना बढ़िया गुलाब, तारीफ की। सीमा ने जो गुलाब लिया उसकी वो तारीफ की।
लाल लाल गुलाब। कैसा गुलाब था बच्चों? लाल लाल, महक भी, खुशबू जो उसकी सूंघने पे जो खुशबू आती है उसको बोलते हैं महक। लाल गुलाब की महक भी बढ़िया थी, यानी कि उसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया थी, यानी कि बहुत अच्छा थी, बढ़िया बहुत अच्छी थी, पूरी कक्षा महक उठी। जब उसने, सीमा ने गुलाब को ग्लास में रख दिया टेबल पर पानी में रख के, तो उसकी खुशबू से पूरी क्लास, पूरी कक्षा महकने लगी खुशबू से। आप लोग जब खुशबूदार फूल देखते हो तो उसकी खुशबू से सब चीज महकने लगती है ना, खुशबू खुशबू, है ना बेटा। सीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी तारीफ हुई, उसने जो गुलाब लाया उसकी खुशबू से सारी कक्षाएं महक उठी और सारे बच्चे लोग खुशबू से, सारे बच्चे लोग खुश होने लगे। तो बच्चों चलिए अब हम कठिन शब्दों को रेखांकित करें। आज पाठशाला का पहला दिन था, तो सारे बच्चे पाठशाला पहला, मैं कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखूंगी, आप उसे रेखांकित करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला शब्द है पाठशाला। मैं यहाँ पे कठिन शब्द लिख रही हूँ बच्चों, वो आप उसको रेखांकित करिएगा, यानी कि अंडरलाइन कीजिएगा, पहला। तीसरा शब्द है सीमा, धन स दीर्घई म आकार सीमा। चौथा शब्द है पाठशाला, नहीं पाठशाला मैंने लिख दिया, गुलाब, ग हर्षव ल आकार ब गुलाब। पांचवा शब्द है जिसको रेखांकित कीजिएगा, सब रेखांकित कर रहे हैं ना बच्चों। पहला पांचवा शब्द है ग हर्षई ल आकार दन स गिलास। छठा शब्द है यानी सिक्स नंबर में कितना, ग हर्षई त न आकार कितना, ठीक है बच्चों। सातवा शब्द है बढ़िया, ब ध हर्षई यह आकार बढ़िया। उसके बाद हम जिस शब्द को रेखांकित करेंगे वो दीदी, द दीर्घई द दीर्घई दीदी, या इस पाठ में दीदी का मतलब क्या बच्चों, शिक्षिका, टीचर जो पढ़ाने गई थी। लाल लाल गुलाब महक, महक मतलब खुशबू, महक मतलब खुशबू। पूरी पूरी, उसके बाद है कक्षा, कक्षा मतलब क्लास, ठीक है बच्चों। अब खुश, खुश, और अंतिम शब्द है बहुत। तो बच्चों ये कठिन शब्द आप रेखांकित करोगे और इसे बोल बोल कर उच्चारण सहित पढ़ोगे। मैं पढ़ाती बच्चों, प में आ की मात्रा ठ, तला में शाम में आ की मात्रा ल आकार पाठशाला, प ह ल आकार पहला, धन स दीर्घई म आकार सीमा। मैंने इसी तरह ऐसे उच्चारण करके सारे शब्दों को पढ़ना है बच्चों, जैसे मैंने पढ़ा। तो बच्चों इस पाठ में आपने क्या जाना, इस पाठ वाचन में हमने यह जाना कि एक सीमा नाम की लड़की स्कूल में पहला दिन गई। उसका स्कूल का कौन सा दिन था? पहला दिन। और वो पहला दिन अपनी मैम के लिए क्या लेकर गई? आप लोग भी अपनी मैम के लिए फूल लेकर आते हो ना, मैम खुश हो जाती हूँ, खुश हो जाती हैं, आपको प्यार करती हैं, आप भी मैम को प्यार करते हो ना, तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हम किसी को भी उपहार देते हैं। जरूरी नहीं बच्चों कि उपहार हमेशा महंगा हो, कहीं से खरीद के लाया जाए, एक फूल भी दे सकते हैं, किताब भी दे सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो दूसरों को देने में खुशी लगे, वो खुशी हम लोग एक दूसरे को उपहार देकर करते हैं। तो हम लोग अपने मम्मी पापा को फूल देते हैं ना बच्चों, तो वो दीदी सीमा अपनी दीदी के लिए गुलाब का फूल लेकर आई, तो गुलाब की फूल की महक से पूरी कक्षा महक उठी। महक मतलब उसकी खुशबू से पूरी कक्षा में गुलाब की खुशबू महक उठी और सीमा क्या हो गई? बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? आप जब फूल लेकर आते हो मैम के लिए, मैम को देते हो, तो आपको खुशी होती है ना, मैम आपको थैंक यू बोलती है ना, आप उनके लिए इतने प्यार से फूल लेकर आते हो, मैम भी खुश होती हैं कि मेरे लिए भी, हमसे बच्चे कितने प्यार करते हैं कि हमारे लिए फूल लेकर आते हैं। उसी तरह बच्चों मैं आज आपके लिए गुलाब का फूल लाई हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज के पाठ वाचन में हमने क्या समझा बच्चों? किसके बारे में जाना? स्कूल और फूल के बारे में। कौन से फूल के बारे में? गुलाब का फूल के बारे में। और स्कूल के बारे में क्या जाना कि सीमा एक लड़की है, स्टूडेंट है, और वो पहला दिन स्कूल जाती है तो खुश होकर अपनी मैम के लिए एक गुलाब का फूल लेकर जाती है। तो बच्चों इस पाठ का पाठ वाचन करिएगा और ये जो रेखांकित किए गए शब्दों का उच्चारण करके बोलिएगा। तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं बच्चों, पाठशाला का कौन सा दिन था बच्चों? तो पाठशाला का पहला दिन था। सीमा कहाँ गई? तो
तो सीमा पाठशाला गई। वह क्या लेकर आई? तो वह एक गुलाब लेकर आई। गुलाब का रंग कैसा था? तो गुलाब का रंग लाल था। सीमा गुलाब रखकर क्या लाने गई? सीमा गुलाब रखकर पानी का गिलास लाने गई, ताकि वह गुलाब को पानी में रख सके, ताकि वो बहुत ताजा रह सके और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल सके। फिर कक्षा में कौन आई? कक्षा में मैम आई, उसकी टीचर दीदी आई। उन्होंने क्या कहा? वाह वाह, बढ़िया गुलाब। किसने कहा? तो टीचर दीदी ने कहा। गुलाब की खुशबू से क्या महक उठी? गुलाब की खुशबू से पूरी कक्षा यानी पूरी क्लास महक उठी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रश्न बच्चों इस पाठ से संबंधित। जब मैं कल अगली कक्षा में बच्चों मैं इस पाठ से बुक वर्क करवाऊंगी, इस पाठ से संबंधित जो बुक वर्क है पेज नंबर 41 करवाऊंगी अगली कक्षा में। तो आप अगली कक्षा में भी वितान पुस्तक के साथ तैयार रहिएगा, पेंसिल रबर लेके। मैं पेज नंबर 41 करवाऊंगी, जिसमें शब्दार्थ बताऊंगी, प्रश्न उत्तर बताऊंगी और चित्र देखकर उसके नाम लिखना बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ बच्चों। अगली कक्षा के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और आज के पाठ का पाठ वाचन करिएगा और वर्तनी का उच्चारण करिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड डे बच्चों।